हेलो दोस्तों, कैसे शेयर करूँ पता नहीं, लेकिन दिल को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, कोरोना का टाइम था जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैं तमिलनाडु में था। तो एक एमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा उनको, तो पता चला कि डिलीवरी हो गया। और तब मैं दूसरी जगह था, जबकि उधर बस सब बंद था, सब बंद था कोरोना टाइम। तब एक दोस्त ने बाइक में मुझे लेके आया तो हॉस्पिटल तक। और जब वहाँ पर पहुँचा तो लड़की हुई पर वेट कम था, तो कांच में रखना पड़ा। जब कांच में रखना पड़ा तो पुलिस का पूरा सिक्योरिटी था, जो कि अंदर जल्दी जा नहीं सकते कोई। अपने ही बच्चे को देखने के लिए एक दिन में सिर्फ 5 मिनट का मौका मिलता था, वो 5 मिनट कभी भी बुला सकते थे। ऐसा सिचुएशन में हम लोग बाहर रोड पर झाड़ू वाड़ू मार कर वहाँ पर एक पेपर डाल के सोते थे, रात में कभी भी बुलाते थे। उस वक्त के लिए इंतज़ार कर करके मैं 5 मिनट का इंतज़ार करता था। ऐसा करते करते 10 दिन निकल गया। ग्यारहवें दिन पता चला कि सर न्यूज़ आया कि बच्चे को श्वास लेना मुश्किल हो गया। फिर शाम के टाइम उन्होंने कह दिया कि मेरा बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। मेरे बच्ची को पेपर में लपेट के बड़े से थैले में दिया गया। सबसे नर्क वाला दिन था वो मेरा। अपने बच्ची को पार्सल लेके जब मैं घर निकला, माफी चाहता आगे नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, सॉरी।